ठीक है। अगेन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के हाई चांसेस हैं, आया तो 3-4 नंबर में आ सकता है। पहले जब पेपर का पैटर्न अलग हुआ करता था तब तो ये 5 मार्क्स में आ जाता था, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से टेबल वाले क्वेश्चन आए और आपसे क्वेश्चन पूछा हो तो आपको क्या करना है, आपको 4 इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 इक्वेशन बनाएंगे। देखो द फॉलोइंग रेट डाटा ये दिया हुआ, ये सब फालतू का है। हमसे पूछा रेट लॉ क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट बताना है, ओवरऑल ऑर्डर बताना है और रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करके उसकी यूनिट बतानी है। कई सारी चीज़ें हमसे पूछी हैं। तो हम 4 इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 बनाएंगे। अच्छा इक्वेशन कैसे बना रहे हैं, रेट लॉ लगा रहे हैं। रेट लॉ क्या होता है, रेट इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन उसकी पावर अल्फा, बी की कंसंट्रेशन उसकी पावर उसका ऑर्डर बीटा। हमें नहीं पता ऑर्डर, तो हमें बताना है ना सेकेंड पार्ट में, तो हम अल्फा बीटा कंसिडर करके चल रहे हैं। तो पहले वाले के लिए रेट कितना है, 6.0 × 10⁻³ इक्वल टू के, फिर ए क्या है, ए है 0.1 इसकी पावर अल्फा, फिर है इनटू में बी, बी की वैल्यू कितनी है 0.1 इसकी पावर बीटा। ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक। या तो अब आप ऐसे लिख दो पहली इक्वेशन, ऐसे दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन का रेट क्या है, 7.2 × 10⁻², इक्वल टू के ए की वैल्यू, हाँ ए की वैल्यू कितनी है 0.3, 0.3 की पावर अल्फा, बी की वैल्यू कितनी है 0.2 की पावर बीटा। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ऐसे थर्ड और ऐसे फोर्थ बनाएंगे, बनाइए। के इसके लिए कितना है 0.3 की पावर अल्फा, इसके लिए हो गया 0.4 की पावर बीटा। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। फिर नेक्स्ट वाले के लिए है 2.4 × 10⁻², इक्वल टू के 0.4 की पावर अल्फा एंड 0.1 की पावर बीटा। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन, ठीक। 4 इक्वेशन बनाने के बाद अब आपको ऐसी इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं, उनको सेलेक्ट करो जिनको आपस में जब हम डिवाइड करें तो अल्फा या बीटा कैंसिल हो जाए, ठीक है। देखो इन दो को, देखो इन दो को अगर मैं आपस में डिवाइड करती हूँ तो ये पूरी अल्फा वाली टर्म कट रही है, यहाँ से बीटा की वैल्यू आ सकती है। और 1 और 4 को अगर डिवाइड करो तो 0.1 की पावर बीटा, 0.1 की पावर बीटा कट रहा है ना, तो वहां से अल्फा की वैल्यू आ सकती है। तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2.88 × 10⁻¹ है, ठीक है। तो बड़े इक्वेशन को छोटी से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 3 / इक्वेशन 2 2.88 × 10⁻¹ डिवाइड बाय 7.2 × 10⁻², इक्वल टू के 0. ये लिख रही हूँ मैं पहले थर्ड इक्वेशन, 0.3 की पावर अल्फा, 0.4 की पावर बीटा। फिर सेकेंड इक्वेशन लिख रही हूँ के 0.3 की पावर अल्फा, 0.2 की पावर बीटा। देखो ये पूरा पूरा कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 2 पे कट गया, तो ये आ गया 2 की पावर बीटा, ठीक। और इधर करेंगे कैंसिल, 10⁻², को ऊपर भेज दीजिए। देखो 10⁻¹ है, -2 को ऊपर भेजा, प्लस का 2 हो गया, -1 एंड प्लस का 2 कितना आ गया, +1, तो ये आ गया 10। और उस 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 28.8 डिवाइड बाय 7.2। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1 10, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1 10, 10 से 10 कट गया। तो अब फाइनली आपका जो आंसर है वो क्या हो चुका है, 288 / 72। करेंगे डिवाइड, 4 × 8 = 28 किस पे कट रहा है, 4 पे, ठीक, 4 पे कटा। अब देखो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या है 2 की पावर बीटा।
हमको पावर को कंपेयर करना है ना, इसलिए बेस को सेम बनाया। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 2। क्लियर है? ठीक। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आएंगे हम डिवाइडिंग इक्वेशन 4/1। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो 2.4 × 10^-2 डिवाइड बाय 6 × 10^-3। 2.4 वाले का पूरा लिखेंगे के इंटू में 0.4 की पावर α, 0.1 की पावर β। ठीक। और इस वाले का लिखो फर्स्ट इक्वेशन का के 0.1 की पावर α, 0.1 की पावर β। 0.1 की पावर β से कट गया, के से के कट गया। फिर ये देखो -3 को ऊपर भेज देंगे, प्लस का 3। ऊपर क्या है? -2। नीचे क्या है? 10^-3। ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 10^3 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ गया? 10 आ गया, है ना। उस 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन गया? 24। और नीचे क्या है? 6। पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आ गया? 4 की पावर α। 6 × 24 तो 4 की पावर 1। ठीक है, 4 की पावर α, बेस सेम है ना। तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो सबसे पहले पूछा था व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। तो अल्फा क्या है? ए की। तो हम बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए ओनली। ए के रिस्पेक्ट में कितना है? 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी ओनली, बी के रिस्पेक्ट में कितना आया? बीटा की वैल्यू 2। फिर हमसे पूछा ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा, तो 1 + 2 कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। ठीक। तो ये हमारा सेकेंड वाला और थर्ड वाला पार्ट हो गया। व्हाट इज द रेट लॉ? रेट लॉ क्या बनेगी? रेट इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं। फिर बी की पावर बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी आई? 2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो गया। ठीक। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, क्योंकि फिर है ना मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि नीचे लिखूंगी तो फिर फ्रेम से बाहर जाएगा। है थोड़ी जगह? हाँ है। चलो फिर फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट के लिए ना आप कोई भी एक्सप्रेशन अपनी पकड़ सकते हो। फर्स्ट वाली पकड़ लो, इजी सी है। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना, ये के निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो बन जाएगा रेट इक्वल रेट अपॉन में ए की पावर 1, इसी में से, हाँ इसी में से, बी की पावर 2। कोई भी इक्वेशन से निकाल सकते हो, सबसे आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का क्या दे रखा है? रेट 6 × 10^-3। ए की कंसंट्रेशन कितनी है इसकी? 0.1। ऐसे नहीं करना, रेट किसी का पुट कर दिया, कंसंट्रेशन किसी और की पुट कर दी, जिसका रेट पुट कर रहे हो उसी की कंसंट्रेशन पुट करो। अब रेट 6 पुट किया है तो देखो बी की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर, तो 0.1 × 0.1। पॉइंट हटाया, यहाँ आ गया 10^3, ये कट गया, और कितना आ गया? 6। रेट आ गया 6। अब यूनिट के साथ बताना है तो यूनिट भी निकालेंगे। तो देखो क्या है? रेट अपॉन में ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। रेट की यूनिट क्या होती है हमारी? रेट की यूनिट होती है मोल, लीटर इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स। इसमें किसमें दिया? मिनट में तो नहीं दिया? हाँ मिनट में दिया, तो मिनट में निकालेंगे मिनट इन्वर्स। ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई? मतलब ए की यूनिट क्या हो गई? मोल, लीटर इन्वर्स। बी की क्या हो गई? मोल, लीटर इन्वर्स, मोल, लीटर इन्वर्स। मोल लीटर इन्वर्स से मोल लीटर इन्वर्स कट गया, नीचे गया मोल का स्क्वायर, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, तो मोल की पावर -2। लीटर की यहाँ पे कितनी है? -1, -1, -2 हो गया, ऊपर जाके प्लस का 2, और फिर ऊपर कितना है? मिनट इनवर्स। ठीक। तो क्या यूनिट आ गई? यूनिट आ गई इसकी मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2, और मिनट की पावर -1। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, एनसीईआरटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वॉज मेजर डिफरेंट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। ये दे रखी है आपको टेबल, और फिर पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। आपको सिर्फ अल्फा एंड बीटा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट किसके बराबर रहेगा, रेट कांस्टेंट के ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा के। ठीक, तीन डाटा हमको दिए हैं, तीन एक्सप्रेशन हम लोग बनाएंगे। पहली क्या रहेगी, 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू के। ए की पावर कितनी है, 0.2 की पावर अल्फा, और बी की कितनी है, 0.3 की पावर बीटा। ये हो गई पहली एक्सप्रेशन। दूसरी एक्सप्रेशन क्या है, 5.07 इंटू 10 की पावर -5। देखो इसको आते ही समझ जाओ कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को तो काटेंगे, कट रहा है ना पूरा पूरा के। फिर क्या है, 0.2 की पावर अल्फा है, देखो पूरा पूरा कट रहा है, बीटा आ जाएगा यहाँ से। 0.1 की पावर बीटा, ये हो गई एक्सप्रेशन टू। थर्ड, 7.16 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू के, 0.4 की पावर अल्फा एंड 0.05 की पावर बीटा। ठीक, ये हो गई एक्सप्रेशन नंबर हमारी 3। लिखिए इसको, डिवाइड करिए, देखिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड और वन को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा देखो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 0.3/3 ये रहेगा। तो हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं। हम लिख रहे हैं डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन 1/इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.07 इंटू, मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूँ मैम, 10 की पावर -5 इक्वल टू के, 0.2 की पावर अल्फा, 0.3 की पावर बीटा। ठीक, डिवाइड बाय सेकेंड इक्वेशन लिख रही हूँ, 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू के, 0.2 की पावर अल्फा एंड 0.1 की पावर बीटा। ये कट गया पूरा, ये कट गया पूरा, पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो यहाँ कटने पे क्या आया, 1। तो ये आ गया 1 इक्वल टू 3 की पावर बीटा। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 इक्वल टू 3 की पावर बीटा, है ना, क्योंकि 3 की पावर 0 क्या आएगा, 1। तो बीटा हमारा क्या आ गया, बीटा हमारा आ गया 0। ठीक है, नोट करिए इसको, बीटा हमारा 0 आ गया। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा। अल्फा के लिए फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन यूज हो गई, अब हम यूज करेंगे क्या, ये ले लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन टू। 7.16 इंटू में 10 की पावर -5 इक्वल टू के, 0.4 की पावर अल्फा, 0.05 की पावर बीटा, डिवाइड बाय इक्वेशन टू, 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू के, 0.2 की पावर अल्फा एंड 0.1 की पावर बीटा। बीटा की वैल्यू आई है 0, इसकी पावर 0 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1। तो इसको तो 1 बना के हम हटा देंगे। ठीक, आप अगली लाइन में हटा लेना, पॉइंट से पॉइंट कट गया, के से के कट गया, ये 2 से ये कट गया इस पे, तो ये आ गया 2 की पावर अल्फा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 कट गया, 7.16, 5.07 ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। डिवाइड करके देखते हैं, 507 से 1 पे जाएगा। ठीक, 16 में से 7 के कितने बचे, 9। फिर यहाँ कितना आ गया, 0,
और यहाँ कितना आ गया आपका 2। ठीक ठीक है ना। अब उसके बाद लगाएंगे पॉइंट, फिर 0, 507, 7 पे लिख दिया, 49, 7 5 35, ओके 507, 4 पे देखो, 7 4 28, 5 4 20, ठीक 4, 2028, माइनस 10 में से 8 गए 2, फिर 8 में से 2 गए 6, फिर 0, ठीक है। तो ये कितना आया अप्रॉक्सीमेटली 1.41, है ना। इसको भी माइनस करते हैं, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे कितना आया 1, फिर उसके बाद छोड़ो अभी आ गया, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 1.41। ठीक, अब ये जो है हमारा 1.41, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो अभी देखिए 1.41 फ्रैक्शन में आ गया। अब हमें क्या पता है कि रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414, रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 1.732, है ना, इतनी कुछ होती है। तो 1.41 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू लिख सकते हैं, और अंडर रूट टू का मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर हाफ, है ना, इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2। तो आपसे पूछा था व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के रिस्पेक्ट में कितनी है 1/2, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, बी की वैल्यू बीटा कितना आया था 0, तो बी के रिस्पेक्ट में कितना है 0। ठीक है, नोट करिए इसे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और रेट कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर वाले के से। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेट होता है वो रेट क्या होता है हमारा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। रेट क्या है हमारा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, कि समय के साथ साथ कैसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो पहला डिफरेंस यही है, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। बट अगर हम बात करें रेट कांस्टेंट के की, तो रेट कांस्टेंट के हमारा कहाँ से निकला, रेट लॉ से। रेट लॉ हमें क्या कहता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अल्फा यहाँ बीटा, अगर हम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो एक रेट कांस्टेंट आ जाता है के, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। और अगर हम ए और बी यानी कि रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी की कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी ले लें, तो ये वन, तो यही रेट हमारा किसके बराबर आ जाता है के, ये पढ़ा हुआ है हमने। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो के है रेट कांस्टेंट, एक तो ये कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, बिल्कुल सही बात है, जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं साइन तो कांस्टेंट आ जाता है रेट लॉ इक्वेशन में। और ये बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, ये किसके बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, जब हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ईच रिएक्टेंट की क्या ले लेते हैं यूनिटी। जितने भी आपके रिएक्टेंट हैं, एक है दो है, अगर उन सबकी मोलर कंसेंट्रेशन को आप यूनिटी रख देंगे तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वही आपका क्या होगा, रेट कांस्टेंट। उसके बाद सेकंड है हमारा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो डिपेंड करता है उसकी मोलर कंसेंट्रेशन पे उस समय पे कितनी है। बिल्कुल सही बात है, यहीं से तो रेट लॉ निकली थी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन पे. जितना ज़्यादा उसका क्या होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, उतने ज़्यादा मोल्स होंगे, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना ज़्यादा वो आपस में कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, रेट ज़्यादा आएगा. अगर आपके पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम है तो रेट भी क्या आएगा, कम. तो रेट किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट की. बट रेट कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है, रेट कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. टेम्परेचर बदलोगे तो रेट कॉन्स्टेंट बदलेगा. बट अगर आपका रेट कॉन्स्टेंट निकाल रहे हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर फिक्स है तो रेट कॉन्स्टेंट भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. ये डिपेंड नहीं करता है किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे. थर्ड डिफरेंस क्या है, जो रेट है उसकी यूनिट हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट. जो रेट है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर. टाइम आप सेकेंड, मिनट या फिर आवर्स में ले सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था. तो इसकी यूनिट फिक्स है, क्या है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स. बट के लिए मैंने आपको बताया था कि के किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर. के की यूनिट किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे. हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी निकाली थी. जीरो ऑर्डर के लिए अलग यूनिट आएगी के की, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग यूनिट आएगी, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग आएगी, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग के की यूनिट आएगी. तो के की यूनिट जो है वो डिपेंड करती है इस चीज पे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है. बट रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट का ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फिक्स रहेगी हमेशा चाहे कोई भी ऑर्डर हो. रेट की यूनिट क्या रहेगी, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स. ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड मॉलिकुलरिटी. ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं. बहुत इजी सा है और थ्योरेटिकली है. एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस को कहते हैं हम जो एक सिंगल स्टेप में होती हैं. ठीक है, दोज रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन सिंगल स्टेप या वन स्टेप, उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन. एक से ज्यादा स्टेप्स में जो हो रही है, मल्टीपल स्टेप्स में जो हो रही है, या आपका जो एक स्टेप में नहीं हो रही है, एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी है, जो सिंगल स्टेप में होगी, जो एक से ज्यादा स्टेप में होगी, उनको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. उसके बाद आता है मॉलिकुलरिटी. मॉलिकुलरिटी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स या फिर कितने नंबर ऑफ आयंस या फिर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ साथ साइमल्टेनियसली लगातार, ताकि कोई केमिकल रिएक्शन हो पाए. ठीक है, तो रिएक्टेंट में ही आपको देखना है मॉलिकुलरिटी, प्रोडक्ट साइड में आपको नहीं देखना. रिएक्टेंट साइड में आपस में कितने नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ आयन या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, ताकि कोई केमिकल रिएक्शन हो पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलरिटी. अब जैसे O2F2 जो है ये एक ही मॉलिक्यूल था, तो एक ही मॉलिक्यूल था तो इसकी मॉलिकुलरिटी क्या हो गई, इसकी मॉलिकुलरिटी हो गई 1. इसकी मॉलिकुलरिटी क्या हो गई, 1. तो ऐसे रिएक्शंस को जिनकी मॉलिकुलरिटी 1 होती है उन्हें हम बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस. ठीक है, 1 मार्क्स में ये पूछे जा सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन. सेकेंड रिएक्शन देखो, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं. 2 HI के मॉलिक्यूल आपस में डीकम्पोज कर रहे हैं और H2 और O2 बना रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 2. तो इधर वाली सेकेंड रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉलिकुलरिटी की वैल्यू हो जाएगी 2. और इसे हम क्या बोलेंगे, बाय मॉलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 हमारे पास क्या है, NO के मॉलिक्यूल, और 1 क्या है हमारे पास, O2 का मॉलिक्यूल. तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3. तो इस रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी की वैल्यू क्या हो गई, इस रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी की वैल्यू हो गई 3. और इसको हम बोलेंगे ट्राई मॉलिकुलर या फिर इसको हम टर मॉलिकुलर रिएक्शन भी कह सकते हैं.
ठीक, उसके बाद आते हैं इधर, देखिए क्या है, 5, इधर कितना है 1, इधर कितना है 6, तो 5 + 1 6, और +6 में कितना हो गया 12, तो इधर की मॉलिक्युलैरिटी क्या हो गई 6, सॉरी 12। ठीक, अब देखो मॉलिक्युलैरिटी 12 है, और मॉलिक्युलैरिटी क्या बताती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं। अब कॉमन सेंस लगाओ, ऐसा हो सकता है क्या कि 12 के 12 मॉलिक्यूल आपस में एक साथ सीधा आ जाएं और आके टकरा जाएं? ऐसा नहीं होगा, पहले दो चार होंगे आपस में टकराएंगे, फिर कोई एक दो आपस में टकराएंगे, फिर वो आपस में टकराएंगे, तो इस तरीके से रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी। तो यानी कि जिसकी मॉलिकुलरिटी इतनी ज्यादा आ रही है वो एलिमेंट्री रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होगी। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या था? जो सिंगल स्टेप में हो, जिसमें इतने ज्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम, वो कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के थ्रू नहीं होगी। यानी कि वो कौन सी कैटेगरी में जाएगी? हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है। अब एक से ज्यादा स्टेप्स में जो हो रही है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप्स में, उसमें रेट जो है वो आपका सेम नहीं आएगा। एलिमेंट्री तो सिंगल स्टेप में हो रही है, वहां से आप रेट निकाल सकते हो, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे रेट निकालोगे? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती हैं, जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं, उनका रेट निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि जो भी मल्टीपल रिएक्शंस हुई उसमें से सबसे स्लोएस्ट स्टेप या स्लोएस्ट रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री के लिए नहीं बता रही हूँ, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बता रही हूँ, लिख भी लेना नोट करके, नोट करके लिखिए, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जिससे आपको रेट पता चलेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा? स्लोएस्ट स्टेप रहेगा। स्लोएस्ट स्टेप क्या रहेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपसे वाइवा में भी एक्सटर्नल पूछ सकता है, 12th क्लास में हो, बोर्ड का पेपर दोगे तो वाइवा होगा प्रैक्टिकल के दौरान, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे वर्बली पूछ लेंगे कि भाई आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, आपने बताया सिंगल स्टेप्स में जो हो जाए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं। फिर वो पूछेंगे अच्छा दोनों का रेट कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप्स में हो रही है तो उसका हम सिंगल स्टेप से ही रेट निकाल देंगे, बट क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रही, मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, तो उसका रेट कैसे निकालोगे? तो उसका रेट निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है, उस जितनी भी मल्टीपल स्टेप्स में हुई है रिएक्शन, उनमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही क्या कहलाएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वाइवा में पूछ ली जाती हैं, नोट करिए इसे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन, ग्राफ और उसके न्यूमेरिकल्स क्योंकि ज्यादा होते हैं तो उसको हम सेपरेट वीडियो में रखेंगे, जीरो ऑर्डर को हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि एक्चुअली में ऑर्डर जो है वो हमें क्या बता रहा होता है, ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ऑर्डर से हमें ये पता चलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअली में कितने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी इसको मैं जैसे जीरो ऑर्डर पढ़ाऊंगी, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाऊंगी तो आपको और मैं इस बात को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी पहले शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए कोई रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट पी बना रहा है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ध्यान से सुनो, आपको सुनते सुनते डेरिवेशन याद हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर हम रेट लॉ के बारे में बात करते हैं तो रेट लॉ क्या कहती है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के, और उसकी पावर क्या होता है? उसका ऑर्डर। मैंने यहाँ एन लिख दिया। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है बताओ? क्या आएगा? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको क्या बोलते हैं हम? रेट कॉन्स्टेंट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल के से। तो रेट इक्वल टू स्मॉल के, और क्या हो गया? ए की पावर एन। अब अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, फॉर जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो यानी कि रेट किसके बराबर आ गया?
यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल सकते हैं या असर्शन रीजनिंग में डाल सकते हैं, ठीक है, उसको किसी तरीके से असर्शन रीजन के फॉर्म में या एमसीक्यू में डाल सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर होता है जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ऑप्शन दे देंगे, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो कौन सा है? जीरो ऑर्डर। जब हमने एन की वैल्यू यहाँ जीरो रखी तो जिसकी पावर जीरो वो क्या होता है? वन। अगर मैं यहाँ वन की पावर जीरो रखू क्या होगा? वन। टू की पावर जीरो रखूंगी क्या होगा? वन। थ्री की पावर जीरो, वन। तो ए की पावर अगर जीरो है तो क्या आ गया? वन। तो ए की पावर जीरो यानी कि वन हो गया। तो ऐसे केस में, जीरो ऑर्डर के केस में, जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन सकता है इस वाले एक्सप्रेशन से, इस बात से। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के, तो कैसा ग्राफ बनेगा? जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ आएगा ऐसे। जब आपका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाते जाओ, रेट की तो जो वैल्यू है अलग अलग कंसंट्रेशन पे वही आएगी ना, तो रेट क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, ग्राफ को पहचानने वाला दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अब आते हैं हम किस पे? रेट पे। मैंने आपको क्या बताया था? रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, ये हमारा क्या होता है? रेट, ठीक है। अब ए क्या है? एक रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ कम होती है, तो क्या लगाएंगे? माइनस। चेंज के लिए क्या लगाते हैं हम? डी। किस चीज में चेंज आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन में। किसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है? रिएक्टेंट की, ए की, तो वो लिखा। अपॉन में क्या चीज बदल रहा है? टाइम, तो हम क्या लिखेंगे? डी टी। तो क्या हो गया? माइनस डी ए बाई डी टी, ये मैंने रेट की जगह लिखा, और ये किससे किसके बराबर है? रेट कॉन्स्टेंट के। अब क्या करेंगे? इस माइनस को वहां ले जाओ और डी टी को वहां ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये डिफ्रेंसिएशन है, और हम सबको पता है कि डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। तो अगर हमें, अगर मैं इस डिफ्रेंसिएशन वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर दूं तो वो उसको क्या कर देगा? कैंसिल आउट। तो हम क्या लिख रहे हैं? इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू माइनस, बाहर के कांस्टेंट है वो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा, सिर्फ क्या बचा है यहाँ? ए की कॉन्सेंट्रेशन, माइनस के हमारा पहले से ही बाहर था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा, क्या बचा? टी। प्लस में जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लिखते हैं, मैथ्स में हम लोग सी लिखते हैं, सी कांस्टेंट का सी, मैं यहाँ पे आई लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन का आई, तो कोई भी कांस्टेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस आई की ना वैल्यू निकालेंगे हम, और इस आई की वैल्यू हमेशा निकलती है टाइम जीरो से, चाहे आप जीरो ऑर्डर की डेरिवेशन कर रहे हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन कर रहे हो, आई की वैल्यू हमेशा कैसे निकालते हैं? टाइम जीरो से। तो जब टाइम जीरो था यानी कि रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, रिएक्टेंट की कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन थी, शुरू में कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, तो उसको हम मान लेते हैं ए नोट, इनिशियल, यहाँ लिख लो एट टाइम इक्वल टू जीरो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वो हमने मान ली कि शुरू में वो क्या थी? ए नॉट, ठीक। तो अगर हमारी शुरू में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी ए नॉट माइनस के, और उस समय टाइम था जीरो, ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया, और आई की वैल्यू क्या आ गई? आई की वैल्यू आ गई हमारी ए नॉट, इसको हम पुट कर देंगे यहां पर, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन वन मान के और ऐसे लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन वन।
तो जब हम इक्वेशन वन में इसको पुट करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू माइनस, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस में ए नॉट। माइनस के टी को यहाँ ले आइए, प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का है उसे वहाँ ले जाइए, माइनस का बन जाएगा। तो के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, ये आपस में मल्टीप्लाई में, टी को वहाँ ले जाओ डिवाइड में चला जाएगा, तो के इक्वल टू वन अपॉन टी ए नॉट की कंसंट्रेशन माइनस ए की कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन में टी। ठीक है, ए नॉट का मतलब क्या है, ए की कंसंट्रेशन टाइम जीरो पे, ए टी का मतलब क्या है, ए की कंसंट्रेशन किसी टाइम पर और जिस टाइम पे आप निकाल रहे हो k की वैल्यू वो। ठीक है, तो ये हमारा जीरो ऑर्डर का k निकालने का क्या है फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक डेरिवेशन आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इजी है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ए हमारा कोई एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहती है कि जो रिएक्शन का रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के और उसके पावर में उसका ऑर्डर होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, रेट कॉन्स्टेंट के आया। ठीक, और जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो एन की वैल्यू जीरो रखी, तो जब ए की पावर जीरो हुई तो वो क्या हो गया, वन, तो क्या हो गया, रेट इक्वल टू के। रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने लिखा कि ए रिएक्टेंट था, माइनस लगाया, चेंज के लिए डी लिखा, कॉन्सेंट्रेशन के लिए ब्रैकेट लगाया, ए के लिए थी कॉन्सेंट्रेशन तो ए लिखा, टाइम टेकन, टाइम भी चेंज हो रहा है तो डी टी लिखा। फिर क्या किया, माइनस को वहां ले गए, डी टी यहाँ डिवाइड में था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से डी को हटाना है, डी को हटाना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड्स को, तो क्या कर रहे हैं, इस इंटीग्रेशन ने डिफ्रेंसिएशन को कैंसिल कर दिया, ए आ गया, माइनस के एज इट इज था, इंटीग्रेशन ने डिफ्रेंसिएशन को कैंसिल कर दिया, टी आ गया। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में एक कॉन्स्टेंट लिखा जाता है, तो प्लस में आई लिख दिया। अब मुझे इस आई की वैल्यू को निकालना है और आई की वैल्यू हमेशा टाइम जीरो से निकलती है, याद रखो। तो किसी भी टाइम जीरो पे जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, इस रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन होगी, वो हमने ए नॉट मान ली खुद से कि ए नॉट रही होगी। अब कंसंट्रेशन ए नॉट रही होगी, माइनस के एज इट इज लिखा, टाइम उस समय जीरो था और आई को आई लिखा, तो जीरो से कोई चीज मल्टीप्लाई हुई, जीरो हो गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए नॉट, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो क्या बन गया, a इक्वल टू माइनस का के टी प्लस में a नॉट। माइनस के टी को यहाँ ले आए, ये प्लस का बन गया, ये प्लस का था वहां ले गए माइनस का बन गया, t डिवाइड में मल्टीप्लाई में था, इसको दूसरी तरफ ले गए डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो a नॉट को a नॉट ही लिखा है, आप सिंपल a लिखोगे तब भी चलेगा, आप a एट t लिखोगे तब भी चलेगा, अच्छा है, और भी अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारी जीरो ऑर्डर की डेरिवेशन थी, इसको नोट करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम हमें अच्छे से डेरिवेशन समझ में आ गई। ठीक है, अब हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लेना, सम इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ जीरो ऑर्डर। तो सबसे पहला जो हमारा ग्राफ है वो है ए वर्सेस टी। तो देखो, हमें जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ किसके बनाना है, ए की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के। सबसे पहले ना आपको इसकी एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए, क्या थी जीरो ऑर्डर की एक्सप्रेशन, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाय टी। ठीक, तो ये हमारी कौन सी एक्सेस होती है, ये हमारी कौन सी एक्सेस रहेगी, ये हमारी रहेगी वाई एक्सेस, ये हमारी कौन सी एक्सेस रहेगी, ये हमारी रहेगी एक्स एक्सेस। ठीक, तो मुझे y एक्सिस पे a चाहिए और x एक्सिस पे टाइम चाहिए, इसको हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, सेट कर लेते हैं। t यहाँ डिवाइड में होता है, यहाँ ले जाओ, के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस का a, ये हो गया। ठीक, अब मैं क्या कर रही हूँ, रिवर्स चल रही हूँ, अगर तुम्हें डेरिवेशन याद हो तो। ठीक है, जब डेरिवेशन किया था तो जैसा चल रहा है जस्ट उसका अपोजिट चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस माइनस ए को यहाँ ले आओ, प्लस का बन जाएगा, के टी को वहां ले जाओ, ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा।
ठीक। अब इसको माइनस को मैं इधर लिख रही हूँ, इसको यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हो। तो ए इक्वल टू माइनस का के टी प्लस का ए नॉट, ठीक। अब मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, ए को। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, टाइम को। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई पे हमने क्या लिया है, ए को, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम को। कंपेयर करो, वाई पे ए है, ए के आगे क्या लिखा है, प्लस का साइन। एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, टी को, और टी के आगे कैसा साइन है, माइनस का। तो एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, ठीक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैसे, माइनस का ए और प्लस का टी, इनवर्स रिलेशन है ना, कैसे भी लिख लो। तो अगर हमारा टाइम बढ़ रहा है तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी, और ए की कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ रही है और ऐसे क्या हो रही है, घट रही है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, ए की कंसंट्रेशन घटेगी। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों के तरीके से एक एक स्टेप डिस्कस किया है ताकि किसी को माइन्यूट से भी प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद जो हमारा के होता है वो हमारा क्या बताता है, के हमारा बताता है स्लोप, और सी जो होता है वो हमारा क्या बताता है, इंटरसेप्ट, ठीक। तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, मुझे पता है तुम्हें पता है, बट फिर भी कोई अगर ऐसा हो जिसे ना पता हो तो मैं उनके लिए सब लिख देती हूँ, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज मुझे इतना सब करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक सिंगल स्टेप में मैं उसको डिफाइन करके लिखूँ और ग्राफ बना दूँ, मुझे तो एक सेकेंड नहीं लगेगा। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, जिनको ये सब एक्सप्लेनेशन की नीड होती है। तो जिन्हें नहीं पता उनके लिए अच्छी बात है, जिनको पता है वो प्लीज इस चीज को आप सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो अब जो m है वो, सॉरी m लिखना था, ठीक है। m जो है वो क्या बताता है, स्लोप, और c जो है वो क्या बताता है, इंटरसेप्ट। तो m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस का k। तो स्लोप जो है हमारा वो क्या आ गया, माइनस का k आ गया। और इंटरसेप्ट की अगर बात करें तो इंटरसेप्ट क्या बताता है हमको, सी। सी किसके बराबर है, ए नॉट के। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो गई, ए नॉट की। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है इंटरसेप्ट, और उसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है, ए नॉट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ जो हमारा है वो मैंने आपको पीछे डेरिवेशन में ही बता दिया था, रेट और कॉन्सेंट्रेशन के अगर हम ग्राफ को बनाएं। तो मैंने आपको क्या बताया था जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, कि रेट इक्वल टू के, ए की पावर उसका ऑर्डर होता है, और अगर जीरो ऑर्डर है तो रेट क्या हो गया, के ए की पावर जीरो, और जिसकी पावर जीरो वो क्या हो गया हमारा, वन। तो रेट तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। तो अगर रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप कॉन्सेंट्रेशन जीरो ऑर्डर में कितनी भी बढ़ाते जाओ, रेट हमारा क्या आएगा, कॉन्स्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ग्राफ बनाइए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टी हाफ, हाफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। टी हाफ निकालेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी टी हाफ निकलता है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग रहेगा। नाम से ही पता चल रहा है टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, आधा। हाफ लाइफ का बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, आधा। कि जैसे मान लो आपके पास रिएक्टेंट शुरू में किसी टाइम जीरो पे था 100, और मुझे अगर उसका टी हाफ निकालना है, ठीक है, हाफ लाइफ निकालना है, तो मैं उसको टी 1/2 से रिप्रेजेंट करूंगी, उसका आधा। तो ऐसा समय जब उसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो गई है, ठीक। और यही हमारा क्या है, जो हम निकालते हैं ना कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये वही है कि टी हाफ का मतलब कि ऐसा समय जब कंसंट्रेशन क्या हो गई है हमारी, आधी, ठीक। अगर जैसे मान लीजिए शुरू में टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन थी 80, तो टी हाफ पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 40,
ठीक है, तो बिल्कुल जितनी भी थी उतनी क्या हो जाएगी, हाफ। अब जैसे मान लो टाइम जीरो पे ए की कंसंट्रेशन हमने मानी ए नॉट, जब 100 मानी तो उसकी आधी हो गई 50, 50 कैसे आया 100/2 करके, जब 80 मानी थी तो 40 आई, 40 कैसे आई 80/2 करके, और जब हम कंसंट्रेशन ए नॉट मान रहे हैं तो टी हाफ पे कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी, जो भी इनिशियल है उसकी कितनी हो जाएगी, आधी। तो जो आपकी एटी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a0/2। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो हम बात करते हैं किसकी, हाफ लाइफ पीरियड की, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज रिएक्टेड। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला था हमारे पास क्या, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, या ए लिख सकते हो, अपॉन टी। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, टी को यहाँ ले आइए, के को यहाँ ले जाइए, तो टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाय के। अगर मुझे टी हाफ निकालना है तो टी की जगह मैं टी हाफ लिखूंगी, इनिशियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जैसी थी वैसी रहेगी, पर टी हाफ का मतलब क्या है कि अब उस समय पे कंसंट्रेशन क्या हो गई है, जितनी शुरू में थी उसकी आधी हो गई है, तो ये कितनी हो जाएगा a0/2, और नीचे क्या चल रहा है k, एक में से आधा गया कितना बचा आधा, तो ये कितना हो जाएगा आपका टी हाफ इज इक्वल टू a0/2, ये एक है ना, एक में से आधा गया तो आधा बचा और नीचे क्या है के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a0/2 के। ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ अगर हम बनाते हैं टी हाफ वर्सेस a0 के, ठीक, तो ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, कंपेयर करेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/2 के a0। ठीक, तो ये हो गया y, m x y पे इसको लिया है, x एक्सिस पे a0 को लिया है, प्लस में क्या होता है c, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो प्लस में क्या है हमारा 0। जब भी इंटरसेप्ट 0 होता है हमेशा याद रखो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता है। ठीक, तो इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। अब देखो y क्या है, y पे t हाफ लिया है, इसके आगे प्लस है, x पे a0 लिया है, इसके आगे भी क्या है प्लस है, तो दोनों, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और इंटरसेप्ट 0 का मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, तो ग्राफ आपका आएगा कुछ इस तरीके से। अब हम बताते हैं किसकी स्लोप की वैल्यू, स्लोप मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताता है m, तो m की वैल्यू कंपेयर करो, तो जो स्लोप है वो हमारा क्या आ गया 1/2 के। ठीक है ना, तो देखो अगर बिल्कुल ध्यान से आप चीजें सुनते हो तो कितना इजी लगता है समझना। ठीक है, नोट करिए इसको। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जीरो ऑर्डर पे, ठीक है, एनसीईआरटी है, इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है प्लैटिनम के सरफेस पे, प्लैटिनम एक मेटल होता है, अमोनिया गैस उसके सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो गई है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, और आपसे कहा है कि व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2 इफ के इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो सबसे पहले क्योंकि उन्होंने हमें क्या बोल दिया, जीरो ऑर्डर के लिए है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के और उसकी पावर में क्या होता है उसका ऑर्डर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, रेट कांस्टेंट के, और जीरो ऑर्डर के लिए है तो क्या हो गई, पावर जीरो, और जिसकी पावर जीरो वो होता है वन, तो रेट किसके बराबर आ गया, रेट बराबर आ गया के, और k की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, तो k की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर देते हो तो आपका जो रेट है उसकी वैल्यू आपको एक तरीके से पता चल गई, मतलब इनडायरेक्ट वे में इन्होंने हमें रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दी थी 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब उसके बाद इन्होंने हमें बोला है कि व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2,
N2 और H2 कैसे बन रहे हैं वो निकालने के लिए पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कोफिशियंट की जरूरत होती है, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, बिना बैलेंस रिएक्शन के नहीं करना है, आंसर गलत आएगा। तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है और N2 गैस बन रही है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इधर 2 लगा दो, 3 2 6 हो गया, यहाँ पे 3 लगा दो, 3 2 6 हो गया। नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा था, लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट के लिए क्या लगाते हैं, माइनस। कोफिशियंट को लिखेंगे रेसिप्रोकल में, और क्या आएगा, DnH3 की कंसंट्रेशन बाय DT। यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए आएगा प्लस, कोफिशियंट है नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे DN2 की कंसंट्रेशन बाय DT। यहाँ कोफिशियंट है, रेसिप्रोकल में डालो, प्लस का 1/3 DH2 की कंसंट्रेशन बाय DT। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट इसके बराबर भी है, रेट इसके बराबर भी है, रेट इसके बराबर भी है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, N2। तो रेट ऑफ रिएक्शन N2 के बराबर है, तो लिखेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बराबर है किसके, प्लस का डी N2 की कंसंट्रेशन बाय DT। रेट की वैल्यू कितनी दी है हमें, रेट की वैल्यू दी है 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका क्या आ गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब आगे क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो भी निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, प्लस का 1/3 डी H2 की कंसंट्रेशन बाय DT, ठीक। 1/3, 3 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ ले आओ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3 × में रेट की वैल्यू कितनी है, 2.5 × 10⁻⁴। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, 25 × 75, तो 7.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना है, यूनिट लिखना अगर भूल जाओगे तो पेपर में फिर मार्क्स कट जाएंगे, बिना यूनिट के आंसर की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। नोट करिए इसे, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।